मैं जीपी दुबे दूबे आप लोगों को आईटीआई आइकन चैनल में स्वागत करता हूं आज मैं प्रोसेस स्टेप्स फॉर एक वन हंड्रेड टेन ए टी एस ए आई टी टी सेकेंड राउंड जो अप्रेंटिसिप की एग्ज़ाम होने वाली है उसका जो फॉर्म अप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन ए आई टी टी अप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग और सबमिशन का जो तरीका है उसका स्टेप्स के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ और उसके बारे में मैं अप्रेंटिस के बारे विस्तृत रूप से बताऊँगा अतः इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें अंत तक देखें तथा इसे लाइक तथा शेयर करें और मेरे वीडियो का बेल आइकन दबाना चैनल का ना भूलें तो देखिए इसमें लिखा है प्रो प्रोसेस स्टेप्स फॉर 110 एटीएस एटीटी सेकंड राउंड इसमें प्रोसेस स्टेप्स लिखा हुआ है नंबर वन ऑनलाइन एटीटी एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग एंड सबमिशन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ये अप्रेंटिससेज का है इसमें यूजिंग पोर्टल फंक्शनैलिटी है अप्रेंटिसशिप डॉट जी ओ वी डॉट इन ग्रेटर देन ए आई टी टी ऑनलाइन एग्जामिनेशन रिमार्क्स एज पर शेड्यूल नंबर टू अप्रूवल ऑफ एग्जाम फॉर्म सबमिटेड बाई अप्रेंटिस बाय देयर एस्टेब्लिशमेंट्स ये इस्पेंसिबिलिटी है एस्टेब्लिशमेंट की जिसमें ये इस्टब्लिशमेंट वाले करेंगे नंबर थ्री एंट्री ऑफ सेशनल सब्जेक्ट मार्क्स ऑन पोर्टल बाय एस्टेब्लिशमेंट्स जिसमें सेशनल मार्क्स का डिटेल्स देंगे जैसे सब्जेक्ट है टीटी मींस ट्रेड थ्योरी इसमें मिनिमम मार्क्स ट्वेंटी होता है परसेंट पास परसेंटेज फोर्टी होता है और पास मार्क्स आठ नंबर होता है वर्क डब्ल्यू सी एस यानी वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस इसमें मिनिमम मार्क्स टेन होता है और पास मार्क्स का परसेंटेज 40 होता है और पास मार्क्स होता Science, होता और पास होता और पास चार होता है ई मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग जिसमें मिनिमम मार्क्स ट्वेंटी होता है पास का परसेंटेज फोर्टी होता है और पास मार्क्स आठ होता है और सब्जेक्ट पीआर पीआर पी आर प्रैक्टिकल जिसमें मिनिमम मार्क्स हंड्रेड होता है पास का परसेंटेज परसेंटेज सिक्सटी होता है और पासिंग मार्क्स सिक्सटी होता है इफ़ अप्रेंटिस फेल इन एनी वन ऑफ द सब्जेक्ट देन एच टी विल नॉट बी जनरेटेड बाई हॉल टिकट विल बी नॉट जनरेटेड बाई सिस्टम अगर यदि वो फेल होगा तो हॉल टिकट उसका जनरेट नहीं होगा यहाँ इसका स्टेप वन एंड स्टेप टू हैव बीन कंप्लीटेड लिखा लिख रहा है ये मेनू में जाके इस्टमेंट वाला ये करेगा अब नंबर फोर दे रहा है अपलोडिंग ऑफ प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग मार्क्स ऑन पोर्टल वाई इस्टिशमेंट्स यानी आपका प्रैक्टिकल और इंजीनियरिंग ड्राइंग का मार्क्स को इस्टब्लिशमेंट वाले यानी यहाँ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ट्रेनिंग करता है वहाँ मार्क्स को अपलोड किया जाता है तो इसका भी स्टेप यहाँ दिया गया है तो नंबर पाँच देखिए ऑनलाइन एग्जाम सेंटर मैपिंग बाय एग्ज़ाम एजेंसी तो वो उसका डीजीटी ऑनलाइन एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी करेगा जिसमें स्टेप वन टू एंड थ्री आर मैंडेटरी रहेगा नंबर सिक्स डाउनलोडिंग ऑफ ऑल टिकट्स अप्रेंटिस और देयर एस्टाब्लिशमेंट्स यानी हॉल टिकट डाउनलोड या तो अप्रेंटिस ट्रेनिंग कर सकता है या एस्टैब्लिशमेंट यानी जहाँ ट्रेनिंग करेंगे वे करेंगे तो इसके लिए आपका यूजिंग पोर्टल जो फंक्शनैलिटी है उसके बारे में बता रहा हूँ इसमें अप्रेंटिसेस ग्रेटर देन अप्रेंटिस प्रोफाइल में जाना है और इसका रिमार्क्स दिया गया है एस्टैब्लिशमेंट्स फ्रॉम देयर लॉग इसमें लॉग इन करना पड़ेगा और नंबर सात एग्जामिनेशन कंडक्शन एग्जामिनेशन जो कंडक्ट करेगा वो डी जी टी, टी या एग्जाम एजेंसी करेगा देखिए एलिजिबिलिटी लिख रहा है अप्रेंटिसशिप कंप्लीसन ऑन और बिफोर 15 अप्रैल 2020 एंड प्रोसेस्ड कॉन्ट्रैक्ट इज अवेलेबल इन पोर्टल कह रहा है कि 15 चार 2020 से पहले जो ट्रेनिंग किए हुए हैं उनके लिए ये ये 110 ATS ए टी एस राउंड का एग्जाम होने वाला है अब है अब प्रोसेस स्टेप्स आर इंटर डिपेंडेंट हैंस टू बी कैरिड आउट इन द इन दैट सेक्वेंस ओनली अप्रेंटिस अप्लाइड ड्यूरिंग फर्स्ट फेज एंड कुड नॉट अटेंड द एग्जाम नीड नॉट अप्लाई अगेन यानी फर्स्ट फेज के लिए जो अप्लाई किए हुए थे वे सेकेंड फेज में अप्लाई ना करें दे विल गेट रिवाइज्ड हॉल टिकट्स एंड कैन एपियर फॉर सेकंड राउंड उनके लिए अलग से हॉल टिकट सेकंड राउंड के लिए इशू होगा दोज हैव ऑलरेडी अटेंडेड एग्जाम इन फर्स्ट फेज विल नॉट वेल आउट टू अप्लाई इन सेकेंड राउंड यानी फर्स्ट फेज में जो ट्रेनी यानी स्टूडेंट एग्जाम दे चुके हैं ऑलरेडी वे सेकेंड फेज के लिए अप्लाई ना करें यहाँ डॉक्यूमेंट क्रिएटर लिख रहा है अजय एस भगत डीडी न्यू दिल्ली तो ये वीडियो यहीं समाप्त हो रही है और ये अप्रेंटिसशिप का जो ऑनलाइन अप्लीकेशन सबमिशन का तरीका दिया गया है अप्रेंटिस जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उनके लिए और इस्टेब्लिशमेंट मतलब जहाँ ट्रेनिंग हो रहा है उनके लिए तो ये वीडियो यहीं ख़त्म हो रही है अतः यह वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप लोग इसे लाइक तथा शेयर करें और मेरा चैनल चे, आई टी को अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें